दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बोगनविलिया प्लांट की। अभी जो है इसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है, तो आपको देखकर पता ही चल रहा होगा। इसके जो फ्लावर है वो सूख चुके हैं, मतलब काफ़ी दिनों से खिले हुए थे। मैंने आपके साथ में 19 जुलाई को जो है इसका वीडियो भी शेयर किया था। मैं थोड़ा सा आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ में 19 जुलाई को शेयर किया था और उस समय ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा भरे हुए और बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। तो क्योंकि फ्लावर जब सूख जाते हैं या सूखने वाले होते हैं, तब अगर हमने उससे कटाई नहीं की प्लांट की, तो नए शूट्स नहीं आते और नए फ्लावर भी नहीं आते हैं, क्योंकि नए जो डाली बनेगी उसी में ही फ्लावर आएंगे। तो आज मैं मेरा जो प्लांट है उसको प्रून करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसी वीडियो को बंगला भाषा में देखना चाहते हैं, तो जब आप मेरे चैनल लिस्ट पर जाएंगे, वहाँ मेरा दूसरा चैनल शो हो रहा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी जो प्लांट की कंडीशन कुछ ऐसी है और फ्लावर जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि ये फ्लावर काफ़ी दिनों तक रहता है बोगनविलिया का। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ ख़राब हो जाती है और हमें जो है नए अगर शूट चाहिए तो हमें प्लांट की फिर से हार्ड प्रूनिंग करके और अच्छे से खाद वगैरह देना पड़ता है। तो मैं आज इसे अच्छे से प्रून भी करूंगी और साथ में जो है इसे कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले इसकी अच्छे से जो है हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं। आपको किसी भी प्लांट को कटिंग करने के लिए या हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा शार्प कटर होना चाहिए और उसे बहुत ही अच्छे से जो है सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। एल्कोहलिक सैनिटाइज़र जो होता है सभी के घर पर रहता है अभी ये, तो इससे अच्छे से जो है सैनिटाइज़ कर लीजिए, ताकि आपके टूल्स में अगर कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो वो आपके प्लांट पर ना पहुँचे। तो इससे अच्छे से करने के बाद में हमें कटिंग कहाँ से करना है, तो हमारे जहाँ से डाली आ रही है उसके 2 इंच जितना रखना होता है और उसके बाद हमें कटिंग करना होता है, ताकि नई ब्रांचेस अच्छे से आ सके। तो इसी तरह से मैं यहाँ से जो है 2 इंच जितना रख के और उसके बाद जो है यहाँ ऊपर से कट लगा रही हूँ। तो इस पूरे प्लांट को आप इसी तरह से ही कट कीजिए। आप चाहे तो जो बोगनविलिया का प्लांट है उसे बोनसाई लुक भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं नॉर्मल अपने प्लांट की कटाई कर रही हूँ और जो ताकि नए शूट्स आए और फिर से जो इसमें फ्लावर आ पाए। तो अच्छे से इसको कटिंग करूँगी और साथ में इसके जो पुराने लीव्स वगैरह है जो ख़राब हो चुका है उसे भी हटाऊँगी। और जो भी आपको लग रहा है, आप चाहे तो सभी पत्तियाँ भी इस समय हटा सकते हैं, क्योंकि मॉनसून सीज़न है और मॉनसून सीज़न में जो है अभी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। अगर आपने खाद या फर्टिलाइज़र अच्छे से दिया होगा और अपने प्लांट की अच्छे से केयर की होगी। लेकिन अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, तो अपने प्लांट को जब हार्ड प्रूनिंग करें तो उसके कम से कम 2-3 दिन तक ऐसे जगह रखें जहां बहुत ज़्यादा बारिश भी ना लगे इसको और जो है बहुत ज़्यादा धूप भी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश लगेगी तब भी जो है इसे फंगस लग सकता है और बहुत ज़्यादा धूप लगेगी तब भी जो है ये प्लांट जो है ख़राब हो सकता है और जो डालियाँ बहुत सारी निकल कर आई है, आप चाहे तो उससे कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने जो है इसे बहुत अच्छे से कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब जो है इसके लीव्स वगैरह जो ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो लीव्स ख़राब हो जाते हैं वो फिर से सही होने वाला नहीं होता है, तो नए शूट्स चाहिए होंगे, तो इसीलिए जो है जितनी पत्तियाँ आप हटा सकते हैं उतनी आप हटा लीजिए और 1-2 आप चाहे तो रख सकते हैं। 19 तारीख को मैंने इसमें जो है 1 चम्मच जो है ह्यूमिक एसिड दिया था और उसके साथ मैंने 2 मुट्ठी जितना वर्मी कंपोस्ट दिया था और उसके बीच में मैंने इसे कोई भी खाद नहीं दिया है। तो इसे अच्छा न्यूट्रिशंस भी इस समय देना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्लांट की ग्रोथ हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम जितना वर्मी कंपोस्ट दिया है। आप चाहे तो गोबर की खाद दे सकते हैं या पत्तियों की खाद भी दे सकते हैं। और 3 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर जो है बोन मील दिया है और साथ में 1 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर एप्सम सॉल्ट दिया है। इन तीनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके और जो है अपने प्लांट के सॉइल में अच्छे से मिक्स करके इसको देना है। तो मैं अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। वर्मी कंपोस्ट जो है दोस्तों, इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस रहता है हमारे प्लांट के लिए, जो भी प्लांट को चाहिए, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिशंस भी रहते हैं। और जो हमारा बोन मील है इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस रहता है और साथ में जो है इसमें
माइक्रोन्यूट्रिशंस भी रहता है और ये दोनों चीज़ें ही स्लो फर्टिलाइज़र है। तो अगर हमारे बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी तो ये चीज़ बह के नहीं निकलती है, बोन मील रह जाता है। और दूसरी चीज़ इसमें एप्सम सॉल्ट देने का कारण ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमारे प्लांट में जो है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है और तभी हमारे प्लांट के लीव्स येलो होना, इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है। तो ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए इसीलिए यहाँ पर एक चम्मच एप्सम सॉल्ट दिया है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने अपने प्लांट में नीम की खली नहीं दे रखा है तो ज़रूर से यहाँ पर आप एक मुट्ठी जितना नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नीम की खली पहले ही दे रखा है और मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोगों के साथ में नीम की खली का वीडियो शेयर किया था, तब मैंने इनमें जो है नीम की खली का लिक्विड भी दिया था। तो मैं इसीलिए अभी यहाँ पर नीम की खली नहीं दे रही हूँ क्योंकि नीम की खली काफ़ी कम मात्रा में यूज़ करनी पड़ती है, 2 महीने में एक बार, तो लिक्विड मैंने दिया है इसीलिए मैं यहाँ पर अब नहीं दे रही हूँ। आपने अगर अपने प्लांट में नहीं दिया है तो एक मुट्ठी जितना इसमें नीम की खली ऐड कर दीजिए। नीम की खली भी काफ़ी अच्छा उसमें न्यूट्रिशंस रहता है, NPK का काम करता है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिशंस भी रहता है और प्लांट को फंगस से और जो है इंसेक्ट से भी बचाता है। और ये गमला जो है मेरा 12 इंच का है तो मैंने ये खाद जो है 12 इंच के हिसाब से ही दिया है। तो आप भी अपने 12 इंच के पॉट में ये दे सकते हैं। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप थोड़ा मात्रा कम कर दीजिएगा और इसे जो है मिट्टी में अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद जो है बहुत ही कम मात्रा में पानी देना है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा कम पानी ही दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अच्छे से इसको मिट्टी में मिला दिया है और अच्छे से दबाना है। और रेनी सीज़न में आप ध्यान रखिए कि आपके गमले की मिट्टी जो है पूरा भरा रहना चाहिए टाइट, क्योंकि अगर आपने गर्मी के सीज़न की तरह ऊपर से 1-1.5 इंच खाली रखा होगा तो आपके जो है पानी भर जाएगा और वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, तो अगर पानी हर समय भरा रहेगा तो फंगस आना या और भी कई समस्याएं हो सकती है। तो बहुत ही ऊपर तक भर दीजिए, अगर आपके पास सॉइल भर रहे हैं सॉइल भर दीजिए, नहीं तो आप कोई भी प्लांट हो कोई वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी आप उससे भर दीजिए अच्छे से मिट्टी के साथ मिला करके। और जो भी लीव्स नीचे दिख रहे हैं उनको भी आप हटा दीजिए क्योंकि वहीं से फंगस वगैरह आता है। तो मैं 1-2 रख रही हूँ, बाकी सारा हटा रही हूँ। और अब जो है मेन टिप्स जो है यहाँ पर, जब भी आप किसी प्लांट को प्रून करते हैं या कटिंग करते हैं तो आप अपने प्लांट के जहाँ पर भी आपने कट लगाए वहाँ कोई ना कोई फंगीसाइड ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो मैं यहाँ पर साफ फंगीसाइड ले रही हूँ, उसमें 2-3 बूंद पानी देकर एक जो है गाढ़ा पेस्ट बना रही हूँ और जहाँ से भी अपने प्लांट पर कट लगाए वहाँ पर जो इस पेस्ट को लगा दूँगी ताकि यहाँ से जो है फंगस या किसी तरह का डिजीज़ जो है मेरे प्लांट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना पहुंचाए और प्लांट जो है हेल्दी ग्रो हो सके। तो इसी तरह से आपको भी अपने प्लांट को लगाना है और आप चाहे तो इसका वाटर में भी सॉल्यूशन बनाकर जितना आपने देखा उतना ही लेना होता है, 1/4 चम्मच 1 लीटर में पूरे प्लांट को स्प्रे कर सकते हैं। मैं रेगुलर अपने प्लांट में महीने में 2 बार स्प्रे करती हूँ इसीलिए आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी हो चुका है और जब इसे वापस देना होगा मैं दे दूँगी, तो आप दे दीजिएगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।